फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तो जो मेरा फेस है उससे मैं तो रिवील नहीं की हूँ, लेकिन मैं जब नहा के आऊँगी उसके बाद मैं अपना जो फेस है उसे रिवील कर दूँगी। जो कौड़ी राम है उसे मैं आज पूरा रिवील करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ, पूरा दिखाने वाली हूँ पूरा जो इतना मार्केट है। तो आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। दिस इज़ माई फाइनल लुक। इसमें आप मेरे फेस पर मत जाइएगा, बिकॉज मैं नहीं बता सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं होटल का जो पंखा था वो बंद था और मैंने बोला डेजर्ट टाइम। मैं अभी इतना खा चुकी, अभी जाएंगे पर्स खरीदने। बचा कुचा केक घर ले जाऊँगी, खाऊँगी। और दिस इज़ अ पर्स शॉप। हम यहाँ पे अपने पर्स मतलब पर्स खरीदने आई थी। और दिस इज जितने भी मैंने शॉपिंग की है वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरे पैंट्स, तो फ्रेंड्स जो मैंने पहले बोला था कि मैं पूरा कौड़ी राम जो उसे रिव्यू करूँगी, सॉरी बट मैं रिव्यू नहीं कर पाई बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, ऐसे कुछ मान लीजिए। मुझे थोड़ा सा वो शाइन फील हो रहा था, लोग क्या समझेंगे, तो सॉरी फॉर डैट। हम लोगों का ट्रिप ये एक दिन के बाद ही है, मैं वो ट्रेन ट्रैवल व्लॉग ऑफकोर्सली करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो ये है एक सेट। और आप सोचेंगे इतने अच्छे अच्छे कहाँ से खरीदे हमने, ये ABC से, शॉप का नाम है ABC। तो ये आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा शॉप है भाई, ABC है। तो दिस इज़ अ माई फाइनल मतलब ड्रेस, नहीं फाइनल नहीं और भी है। एंड ये सेम उसी की तरह। सेम है, बस मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। और एक और ये क्रॉप टॉप है। एंड दिस इज माय पैंट्स। एंड ये मम्मी की साड़ी। कम से कम 4-5 दुकान ढूंढने के बाद मम्मी को एक दुकान पर एक ये साड़ी पसंद आई है, मतलब मम्मी की पसंद आ रही है। मैं मम्मी की साड़ी कम से कम 900 रुपये की पड़ी है। मम्मी मेरे जैसे मेरे कपड़े महंगे होते हैं उसमें दाम जो घटाते रहते, खुद का ये 900 रुपये था, एक भी दाम नहीं घटाई। और ये प्रिंगल्स 115 रुपये के, जो मम्मी से मैंने बहुत ज़िद करके खरीदवाए हैं। और ये कुछ और वो जो मम्मी ने खरीदे हैं, काजू कलर, और ये एक मलम, और ये एक मेरा लिप बाम। तो ये पूरा उसका बिल। तो एक और मेन मुद्दे पर मेरा पर्स, कितना सुंदर पर्स है, ये मैंने बाय किया है। इसे आप देख ही सकते, इसके अंदर वो बहुत सारा वो कचरा भरा होगा, तो मैं आपको खोल के पूरा दिखाती हूँ क्या क्या भरा है इसमें। तो ऐसा इस टाइप का कुछ बैग है। तभी मैं थोड़ा सा गिर गया, सॉरी। अभी मैं थोड़ा जो दिखाने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या क्या भरा है। ये देखो, मैंने बोला था ना इसके अंदर कचरा फुचड़ा भरा होगा, इतना लंबा है भाई, ख़त्म नहीं होने वाला मुझे लगता है एक घंटे भर, इतना ज़्यादा है।
और भी है। और एम्प्टी हो गया हम लोग, और कुछ भी नहीं बचे। इतना सुंदर है ना। और ये मैं प्रिंगल्स खाते हुए दिखा रही हूँ आपको, काफी यम था।